हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्या नया सीखने वाले हैं, आइए आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूं। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2016 वर्जन है। आपके पास जो भी वर्जन हो, काम करने का तरीका यही है लगभग सब में, ठीक है। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं, ये एक शीट पर हम आ चुके हैं और यहां पर आपको दिख रही है शीट 1। इस शीट का नाम मैं चेंज कर देता हूं, यहां से मैं इसका नाम कर देता हूं, लाइक मैं अपना ही नाम इसको दे देता हूं, ऐसी वारे जे सूरज लिख देता हूं। इस शीट का नाम सूरज दे दिया मैंने। अब अगर आपको नई शीट इंसर्ट करानी है तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करते हैं, सबसे पहले आप Alt H I और फिर प्रेस कीजिए S, देखेंगे नई शीट इंसर्ट हो गई। ये जो पहली शीट थी सूरज वाली वो इधर आ गई, अब यहां पे शीट नंबर 2 इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप कोई और कराना चाहते हैं शीट, तो आप फिर प्रेस कर सकते हैं Alt H I और फिर S। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो 3 शीट, फिर कराना है तो Alt H I S 4 शीट, फिर कराना है Alt H I S, ऐसे ही करके नई नई शीट इंसर्ट कराइए और ये शॉर्टकट की का मजा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।